कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या तीसरी लहर पर बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की प्रोफेसर ममता जाजू जी हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार मैम, सबसे पहले बताइए तीसरी लहर का प्रभाव जिस तरह इस वक्त बता रहे हैं, क्या बच्चों पर पड़ेगा? देखिए, ऐसा भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि तीसरी वेव का प्रभाव सिर्फ बच्चों पर ही पड़ेगा, ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं। और जैसा हम जानते हैं कि पहली वेव में भी बच्चे अफेक्ट हुए थे पर कम हुए थे, क्योंकि उस समय कम्युनिटी भी कम अफेक्ट हुई थी। दूसरी वेव में कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई, इसलिए बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए। थर्ड वेव किस तरह की आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों में कितना अफेक्ट होगा, लेकिन डेफिनेटली जैसे परसेंटेज हर बार बढ़ाएगी, पहले 2% था, फिर 12% हुआ, फिर अब चांसेस हैं कि वो 20% तक हो सकता है। लेकिन अगर हम सीवियरिटी की बात करें तो बच्चों में सीवियरिटी नहीं है ज़्यादा। अभी तक की दो वेव्स में भी कोविड की सीवियरिटी नहीं देखी गई है बच्चों में बहुत ज़्यादा, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीवियर होगा बच्चों में। ये इस तरह की हमें बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, उससे लोगों के मन में डर आ रहा है और ये डर को हटाना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तीसरी वेव सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करेगी, और तीसरी वेव में अगर बच्चे ज़्यादा अफेक्ट भी हुए तो ऐसा नहीं है कि वो सीवियर होगा। सीवियरिटी बच्चों में माइल्ड है और माइल्ड ही रहेगी, इसलिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि तीसरी वेव में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तो वो डर निकाल देना चाहिए, इस तरह से अपने मन से डर बैठा के नहीं रखें। जो ये थर्ड वेव का ऐसे जिक्र कर रहे हैं, अगर आती है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? डेफिनेटली तैयारियां तो हमने शुरू कर ही दी हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि माइल्ड ही होता है, लेकिन अगर सीवियर भी होता है तो हमें अपनी तरफ से तो पूरा तैयार होना ही होगा। तैयारी दोनों तरफ से होगी, जनरल पब्लिक के तरफ से पेरेंट्स को भी तैयार होना होगा और हमें भी तैयार होना होगा। हॉस्पिटल्स को तैयार होना है कि आईसीयूज तैयार करेंगे, ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स तैयार कर रहे हैं, प्लस हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग कर रहे हैं, थोड़े से इक्विपमेंट्स जो भी हमें चाहिए वो और भी सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जनरल पब्लिक को इस तैयारी से रहना है कि बच्चों को कैसे कोविड से बचाएं, इसका उनको ध्यान रखना है, क्योंकि हम पिछले 1.5-2 साल से ये सीख ही रहे हैं कि हमें कोविड से कैसे बचाव करना है। मास्क पहन के रखिए, मास्क सही तरह से पहनिए, बार बार हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जब बहुत भीड़ और बाहर वाली जगह है वहाँ अवॉइड करिए। तो यही सारी चीज़ें पेरेंट्स को बाद में भी ध्यान रखना है कि बच्चों को अपने इन सब चीज़ों में सिखाएं उनको कि उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, हाथ धोते रहना है, घर से बाहर अगर वो जाते भी हैं खेलने तो वापस आके अच्छे से हाथ धोएं, अपने कपड़े चेंज करें, मास्क लगा के रहें, प्रॉपर तरह से मास्क पहने। तो बच्चों की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है और माता पिता की भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। माता पिता की ट्रेनिंग इस तरह से ज़रूरी है कि उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि उनके बच्चों को कुछ ज़्यादा बीमारी है कि नहीं है, क्योंकि जो मैंने जिसे आपको बताया कि ये माइल्ड होता है, तो माइल्ड में सर्दी, खांसी, बुखार, हल्का बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, इस तरह से होता है। लेकिन अगर ये माइल्ड से अगर कभी कभी सीवियर भी हो सकता है तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि सीवियर होने के तुरंत पहले ही बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाए। तो वो सीवियर में क्या क्या हो सकता है वो ध्यान रखना है, जैसे कि अगर बच्चे को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और बहुत लंबे समय तक आ रहा है, जैसे 3-4 दिन हो गए तब भी बुखार टूट नहीं रहा है, बच्चे की पसलियाँ तेज़ चल रही हैं, सांस बहुत तेज़ चल रही है, बच्चे के दस्ते बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी की कमी होने लगी है, बच्चे को खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया है, बहुत सुस्ती हो गई है, तो इस तरह के जब रेड फ्लैग साइंस अगर बच्चे को दिखने लगे तो उसे तुरंत अस्पताल लेके आना है और घबराना नहीं है। लेकिन किसी भी कंडीशन में पेरेंट्स को अप्रिहेंसिव नहीं होना है, बच्चे का इलाज कराना है। पहली बात है बच्चे को बीमारी से बचाना है, दूसरी बात है बच्चे को अच्छा खान पान देना है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बीमारी से बचाने के लिए कि बच्चे अच्छा खाना पीना खाएं, जो अच्छा खाना पीने से मतलब न्यूट्रिशियस फूड, ऐसा खाना नहीं जो मोटापा बढ़ाता है, ऐसा खाना जो बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन देता है, विटामिन देता है, मिनरल्स देता है, तो प्रॉपर अमाउंट में विटामिन सी जाना चाहिए, फ्रूट्स जाना चाहिए, वेजिटेबल्स जाना चाहिए, नींबू है, संतरा है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी, विटामिन ए होता है, वो सारे फ्रूट्स खाए जाएं।
और घर का खाना, फ्रेश खाना दें, बाजार के चिप्स हैं, पकौड़े हैं, बाजार की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। तो जितना ज़्यादा बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, बच्चों को अच्छी आदतें डालेंगे, उतना वो अगली वेव में इस बीमारी से भी बच पाएंगे। लेकिन किसी भी केस में डरना नहीं है, पेरेंट्स को जो अभी से उनको एक डर बैठ गया है मन में, एंजाइटी बैठ गई, उससे दूर रहना है, वो नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। लेकिन जो ये तीसरी लहर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसके जो सिम्टम्स होंगे यानी जो लक्षण है, वो किस तरीके के होंगे, जो सेकंड में थे, जो फर्स्ट में थे, क्या वही लक्षण रहेंगे? हाँ जी, बीमारी तो वही है, कोविड वायरस भी वैसा ही है। अगर चेंज होगा तो थोड़ा स्ट्रेन चेंज होगा, लेकिन अभी तक जो हमें वायरस के बारे में जानकारी है उसमें यही है कि ये बच्चे जैसे फ्लू होते हैं उसी तरह के सिम्टम्स करता है। बुखार बहुत ज्यादा आता है, निमोनिया हो सकते हैं, बच्चों को डायरिया बहुत होता है। एक बच्चों में सिम्टम्स है जो डायरिया बहुत होता है, नाक बहना या नाक स्टफी बहुत होता है, निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं कि बच्चों में सांस तेज चल सकती है, और बच्चों में कभी कभी ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है। वो चेक करते रहना है पेरेंट्स को कि ऑक्सीजन लेवल कम ना हो। तो ऐसे कोई नए सिम्टम्स नहीं होंगे इस बीमारी के जो हो सकते हैं, वही सिम्टम्स हैं जो एक कॉमन बीमारी में बच्चों में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। आपको एक लगता है कि जो लॉकडाउन है, जब तीसरी वेव आएगी तो लॉकडाउन एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्या? ये जैसा जो हमारे लास्ट दो वेव्स में हमने देखा है, क्योंकि ये बीमारी पब्लिक के एक दूसरे से ही फैलती है। अगर हम क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, अगर हम एक क्लोज एरिया में हैं, अगर मैंने वहाँ बिना मास्क पहले बोल लिया या छींक दिया, तो ये वायरस बहुत लंबे एरिया तक स्प्रेड करता है। तो चूँकि हम इंडिया में जो है भीड़ भाड़ से बच नहीं सकते हैं, अगर आप कोई भी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा तो कंजेशन हो ही जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन भी इतनी है। तो लॉकडाउन इस तरह से हेल्प करता है कि लोग थोड़ा सा घर पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, घर से निकलना कम हो जाता है। तो उस तरह से जो बाहर सड़कों पे भीड़ भाड़ है या पब्लिक प्लेस पे, मार्केट्स में, इन सब में भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो जाती है। तो डेफिनेटली हमने दोनों टाइम देखा है कि लॉकडाउन करने के बाद में केसेस में एकदम से फॉल आता है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल होती है कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा या मूवमेंट्स कम कर दिया जाए, भीड़ भाड़ वाला एरिया बंद कर दिया जाए, पब्लिक प्लेस जहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं, जहाँ मास्क हटाया जा सकता है, अगर उन एरिया पे एंट्री कम हो जाती है लोगों की, तो ये एक कट हो जाता है जो स्प्रेड करने में रोकता है। इसलिए डेफिनेटली हेल्पफुल तो होता ही है लॉकडाउन। ममता जी, क्योंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं और आपने दो वेव देख भी ली, इन दो वेवों से क्या कुछ सीखा कि ताकि आगे जो तीसरी लहर है उसका कम इफेक्ट हो बच्चों के ऊपर, कि ज्यादा केसेस ना आए, तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगी? हाँ जी, जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड का बचाव करना बहुत जरूरी है। कोविड की बीमारी को ट्रीटमेंट तो जो होगा होगा, लेकिन उसके पहले हम अगर जितना बचाव कर सकते हैं वही करना है। और बचाव में सबसे इम्पोर्टेंट मास्क है। मास्क जो है वो वैक्सीनेशन से भी बड़ा है अभी। तो प्रॉपर मास्क पहनना बच्चों को ज़रूर सिखाना है कि पहले मास्क पहनने के पहले बच्चे हाथ धोएं, मास्क को साइड से पकड़ के मास्क पहने, नाक तक कवर करके रखें पूरा, बार बार मास्क पे हाथ ना लगाएं या बार बार नाक को मुंह को ना छुएं, इधर उधर कहीं भी हाथ लगाते तो हाथ तुरंत धोएं, हाथ को अच्छे से साबुन से पानी से धोना है, कम से कम 20 सेकंड तक धोना है। और हाथ धोने के बाद में भी अगर आपके पास साबुन पानी नहीं है तो आप सैनिटाइजर से हाथ धोएं। बाहर खेलने जाते हैं, अगर बच्चों के साथ जाते हैं तो थोड़ा बच्चे आपस में एक पास पास ना रहें, मास्क ना हटाएं, थोड़ा दूर दूर रह के खेलें, या इस तरह के खेल खेल सकते हैं जैसे साइकिलिंग करना है या राइडिंग करना है, जहाँ बच्चे एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में ना आए, इस तरह से करें। बर्थडे पार्टीज वगैरह, इस तरह की कोई पार्टीज बच्चों की होती है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैलने का डर होता है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी से बचने के लिए। तो थर्ड वेव में भी यही जो है आदतें हमें इस बीमारी से बचाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो नंबर कम हो गया है तो हम ये आदतें छोड़ दें। इन आदतों को हमको रूटीन में रखना पड़ेगा। ये जो आदतें हैं, मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं जाना, ये अब हमारा नॉर्मल रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब नंबर ऑफ केसेस कम हो गए तो हम इन सब आदतों को भूल जाएंगे कि अब थर्ड वेव का आने का इंतजार करेंगे फिर हम मास्क पहनेंगे। ये अब हमारी रोज रूटीन की आदतें हैं। तो एक जनरल
पब्लिक को ये अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहिए कि मेरे को अपने अपने आप को और अपने बच्चे को इस इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि पेरेंट्स तो बाहर काम करने जाते हैं, अगर पेरेंट्स इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो इन्फेक्शन घर में लेके आएंगे, घर में लाएंगे तो अपने बच्चों को इन्फेक्ट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर लेवल पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया जाए कि हमें इस इन्फेक्शन को नहीं फैलाना है, और ये सारी चीज़ें ये रूटीन में आनी चाहिए। अब ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस है कि जब तक ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं होता है, हम सबको ध्यान रखना है कि हमें मास्क पहनना है, भले वैक्सीनेशन लगा हो या ना लगा हो, हमें मास्क पहनना ही पहनना है। मास्क पहन के जब घर वापस आते हैं तो हमें अच्छे से हाथ धोना ही है, या अपना नॉर्मल जो हाइजीन मेंटेन करनी है वो सारी करनी ही है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बच्चों के ऊपर क्या वैक्सीन को लेकर ट्रायल, क्या ये सितंबर से पहले वैक्सीन आ सकती है बच्चों के लिए? हाँ, बिकॉज जो कुछ वैक्सीन हैं जो यूएसए में हैं और कनाडा में, वो तो ऑलरेडी बच्चों में ट्रायल्स हो चुके हैं और स्टार्ट भी हो चुका है उनका वैक्सीनेशन। कुछ वैक्सीन हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो गए, ट्रायल्स होना शुरू हो गए, तो होपफुली क्योंकि ऑलरेडी वो अब हैं उनके ट्रायल्स और वो अडल्ट में यूज़ किए हैं, तो अगर हम उन ट्रायल्स को अगले एक दो महीने में भी हो जाते हैं तो बहुत जल्दी हम उस वैक्सीन को बच्चों में भी यूज़ कर पाएंगे। एक सर्टन एज से ऊपर तो हम उस वैक्सीन को यूज़ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर तक एक ना एक वैक्सीन तो बच्चों के लिए मार्केट में आ ही जाएगी। इस जो थर्ड वेव का हम जिक्र बात कर रहे हैं जिसको लेकर, इसमें कितने साल से कितने साल का बच्चा ज्यादा इफेक्टेड होगा, कुछ बता सकती हैं आयु सीमा? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि किस एज से किस एज का बच्चा होगा, लेकिन जो बच्चा घर में रहेगा वो बच जाएगा, या जो घर बच्चा अच्छे से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को यूज़ करेगा वो बच जाएगा, जिसके पेरेंट्स बहुत समझदारी से काम लेंगे वो बच जाएगा। पर ये बताना बहुत मुश्किल है कि किस एज के बच्चे, क्योंकि ये सारे एज के बच्चों में देखा गया, ये न्यूबॉर्न बेबीज में भी देखा जा रहा है और ये 18 साल में भी देखा जा रहा है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस एज को ज़्यादा अफेक्ट करेगा ये। एक जाते जाते आखिरी सवाल की, जब से ये आप और हम जिक्र कर रहे हैं थर्ड वेव का, पेरेंट्सों में एक भय का माहौल है, आखिर में एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट आप चाचा नेहरू में हैं, प्रोफेसर हैं, क्या कुछ पेरेंट्स को आप कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, अगर कुछ अपील करना चाहें पेरेंट्सों को, क्योंकि डर का माहौल अभी से बैठा हुआ है? मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि पेरेंट्स को डरना नहीं है, पेरेंट्स को बहुत समझदारी से काम लेना है, और समझदारी से काम सिर्फ चार पांच चीज़ों का ध्यान में रखते हुए लेना है। पहला चीज़ है कि उन्हें अपने आप को और अपने बच्चे को इस इन्फेक्शन से बचाना है। इस इन्फेक्शन को बचाने के दो तरीके हैं, एक है हम वैक्सीन से बचा सकते हैं और दूसरा है एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से बचा सकते हैं। वैक्सीन पेरेंट्स जो लगवा सकते हैं, जिनकी एज के लिए अवेलेबल है, वो ज़रूर से वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाने से डरे ना। दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मास्क पहनना ना छोड़ें, मास्क का सही तरह से उपयोग खुद करें और बच्चों को सिखाएं, बच्चों को अच्छी आदतें डालें, खान पीन की भी अच्छी आदतें डालें, बार बार हाथ धोने की भी अच्छी आदतें डालें, तो इससे बच्चे बीमारी से बचेंगे और वो खुद भी पेरेंट्स भी बीमारी से बच पाएंगे। और कोई भी बच्चा वो चीज़ें तब तक नहीं करता जब तक उसके पेरेंट्स नहीं करते, तो ये चीज़ें पहले पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, तब फिर बच्चे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को ऑर्डर करेंगे कि आप तुम ये करो तुम ये करो और खुद वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको उदाहरण देना होगा और आपको वो चीज़ें करनी होगी, फिर वो बच्चा भी उस तरह से चीज़ें करेगा। तीसरी चीज़ है कि बहुत अच्छी खाने की आदतें डालिए, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ें दीजिए उसको, अच्छे सब्जियाँ फल, खेलने की आदत डालिए। खेलने की आदत में अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, घर में एक्सरसाइजेस कराइए। और चौथी पांचवी चीज़ है कि खुश रहना सिखाइए बच्चे को, बच्चे को भी डराइए मत, उसके ऊपर गुस्सा मत होइए, उसको उसके मन में भी उतना ही डर है इस बीमारी का जितना हमारे मन में है, शायद बच्चों में ज़्यादा है, क्योंकि वो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, फ्रेंड्स से भी नहीं मिल रहे हैं, वो खेल भी नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ घर में बंद हैं, तो उनके लिए ज़्यादा एंजाइटी हो गई है, उनके लिए बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो पेरेंट्स को यहाँ पे बच्चों को खुश रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो जितना ज़्यादा बच्चों को खुश रखेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ कुछ गेम्स खेलेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, तो डेफिनेटली ये मेंटल टेंशन जब कम होगा तो बीमारी भी कम होगी। इसलिए बच्चों की ये सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली बच्चों में इन्फेक्शन नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए, और बेहद आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उम्मीद करेंगे कि जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे तो वो जरूर जो आपने बातें बताई हैं उस और पेरेंट्स ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।